सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल प्ले स्टोर के एरर के बारे में। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर में 481 का अगर आपके पास एरर आ गया तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इस एरर को कैसे रिमूव करना है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो है अपने गूगल अकाउंट में जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ सिंक में। जाने के बाद आपको जो है गूगल अकाउंट को जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप अपने गूगल अकाउंट को जो है यहाँ पर से रिमूव कर दीजिए। रिमूव अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को जो है रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद अब मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में। उसके बाद आप यहां पर फाइंड आउट कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये है गूगल प्ले स्टोर, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल यहां पर क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोन को जो है एक बार रीस्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप अपने प्ले स्टोर में फिर से जीमेल आईडी ऐड कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से इस एरर को रिमूव कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।